नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। युवाओं ने लिया उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प। नहीं थम रहा है भागलपुर में अवैध शराब का कारोबार। दुर्गा मंदिर परिसर से पुलिस ने 400 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। पीरपैंती में 112 वर्ष पुराने उल्टा पुल को विस्फोट कर किया गया ध्वस्त। दो ट्रेन का परिचालन रद्द, दो का बदला गया रूट। होमगार्ड के डीजी राकेश मिश्रा पहुंचे भागलपुर। गृह रक्षकों के साथ की बैठक, समस्या समाधान का दिया भरोसा। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी विद्यालय 15 जनवरी तक रहेंगे बंद। डीएम ने जारी किए आदेश। अब समाचार विस्तार से। भारत के आधुनिक इतिहास को नई दृष्टि देने वाले महान विभूति स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती रविवार को समारोह पूर्वक मनाई गई। जिले भर के कई शिक्षण संस्थानों में लोगों ने स्वामी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके द्वारा बताए गए संदेश पर चलने का संकल्प लिया। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस पर भागलपुर TNB कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले विवेकानंद जयंती समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, NSS के समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो, स्वामी विवेकानंद केंद्र के प्राचार्य विजय वर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और डॉक्टर श्वेता पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। विवेकानंद जयंती समारोह में प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि भारत ही नहीं विश्व क्षितिज पर ज्ञान के प्रकाश पुंज विवेकानंद ने भारत को आत्मगौरव, प्रवृत्ति और चरित्र निर्माण का संदेश दिया। वहीं डॉक्टर सुमन कुमार ने विवेकानंद के जीवन दर्शन के विभिन्न आयामों पर अपनी बात रखी और सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी। कुलपति और प्रतिकुलपति ने स्वामी विवेकानंद के महत्वपूर्ण विचार और शिकागो धर्म सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए भाषण को वैश्विक शांति का संदेश बताया। इधर विवेकानंद केंद्र के विजय वर्मा ने कहा कि आध्यात्मिक विज्ञान विवेकानंद का संदेश सभी के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना पर भी प्रकाश डाला गया। डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने महाविद्यालय द्वारा बनाए गए यूथ क्लब की जानकारी दी और स्वामी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मौके पर विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र के विजय कुमार वर्मा, डॉक्टर पुण्येंदु शेखर, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डॉक्टर अंबिका, डॉक्टर रविशंकर चौधरी, रोशनी, राकेश समेत कई स्वयंसेवक और शिक्षक मौजूद थे। युवाओं के लिए विवेकानंद का सीधा संदेश है कि अपने भीतर में आत्मविश्वास पैदा करो और स्वदेश प्रेम पैदा करो। यही इसी से भारत की उन्नति हो सकती है, भारत का उत्थान हो सकता है, जीवन की सफलता हो सकती है और जीवन में सार्थकता हो सकती है। वहीं भागलपुर रेकाबगंज स्थित ABC पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने उन्हें नमन किया। वहीं ABC पब्लिक स्कूल के निदेशक विनय कुमार ने छात्रों को स्वामी जी के संदेश को बताया और उनके जीवन दर्शन से शिक्षा लेने की बात कही। मौके पर स्कूल के शिक्षक विकास, कृष्णा और सहजाद ने कहा कि विवेकानंद युवाओं के लिए आइकन है, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौके पर नवनीत कुमार समेत कई छात्र मौजूद थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तिलकामांझी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जवारीपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से 400 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मंदिर की देखरेख करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। CT DSP राजवंश सिंह ने बताया कि शराब तस्करों ने अब पवित्र स्थानों को भी अपनी तस्करी का अड्डा बना लिया, जिसकी जांच की जा रही है। बहरहाल सिंचाई विभाग की सरकारी कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर में भारी मात्रा में शराब का मिलना पूर्ण शराबबंदी के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। हम आपको बता दें कि SSP के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब को स्टॉक कर शहरी क्षेत्र में इसकी आपूर्ति कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। दारू के लिए भी मुख्यालय स्तर से, उच्च स्तर से हम लोगों को निर्देश था छापामारी करने का। तिलकामांझी थाना और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर दारू का अवैध कारोबार हो रहा है। सत्यापन के लिए जब पुलिस आई, मैं भी आया, तो भारी मात्रा में यहाँ से विदेशी शराब मिला है। ये सिंचाई विभाग की सरकारी कॉलोनी है और हम लोग एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए। बेहद आश्चर्यजनक है कि रोक और इतनी निगरानी के बाद भी इस तरह से यहाँ हो रहा है।
इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। हमें कानून लागू करना है, वो कौन सा स्थल ये महत्वपूर्ण नहीं है, अगर अपराध हो रहा है तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी। पीरपैंती का उल्टा पुल रविवार को ध्वस्त हो गया। अंग्रेजों के जमाने में निर्मित 112 वर्ष पुराना पुल जर्जर हो गया था, जिसे रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ध्वस्त कर दिया गया। पुल को ध्वस्त करने के लिए 284 सुराख बनाया गया था, जिसमें बारूद भरकर 3 सदस्यीय वैज्ञानिक की टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान रेल एवं जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। रेल अधिकारियों के अनुसार पुल को ध्वस्त करने के लिए 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया था, जिसके कारण साहेबगंज भागलपुर पैसेंजर ट्रेन और साहेबगंज बड़हररवा ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जबकि जमालपुर साहेबगंज ट्रेन को कहलगांव में रोक दिया गया। पुल ध्वस्त होने के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुटी रही। बिहार होमगार्ड सह अग्निशमन विभाग के महानिदेशक राकेश मिश्रा ने रविवार को सैंडिस कंपाउंड स्थित होमगार्ड कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजी ने प्रखंड स्तर पर गठित कंपनी, सेक्शन एवं प्लाटून कमांडर से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही डीजी होमगार्ड की समस्याओं से रूबरू हुए। डीजी ने कहा कि रिटायर्ड होने वाले होमगार्ड को सेवांत लाभ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने 2000 होमगार्ड जवानों को पटना में सम्मानित करने की बात कही। वहीं डीजी ने नए होमगार्ड की बहाली करने और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर मृतक के परिजनों को नौकरी देने की बात कही। डीजी ने कहा कि सभी होमगार्ड को वर्दी के लिए 2 वर्ष में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी होमगार्ड से ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की बात कही। मौके पर होमगार्ड कमांडेंट चंदन कुमार कुशवाहा, CTSP सुशांत कुमार सरोज समेत काफी संख्या में होमगार्ड जवान मौजूद थे। पहला उद्देश्य है कि आप लोगों को याद होगा कि 4 माह पहले जब मैंने योगदान किया था, उस समय मैं भागलपुर आया था, कई जिलों का भ्रमण किया, कार्यालय में बैठ के भी जब लोगों से मिला, तो जितनी समस्याएं होमगार्ड की बुनियादी समस्याएं थी, इसके समाधान के लिए प्रयास हो रहा था, उनका एक समाधान तय कर दिया। उस समाधान के साथ आदेश भी निर्गत हो गए। तो पहला उद्देश्य है कि जो समाधान हुए हैं उसको जमीन स्तर तक पहुँचाने के लिए इनके साथ संवाद गोष्ठी कर रहे हैं, ताकि इनके मन में कहीं दुविधा संसदी हो, उसका निराकरण बातचीत से, संवाद से संभव हो सके। कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय 15 दिसंबर तक बंद रहेंगे। रविवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जारी किए गए आदेश में DM ने कहा कि ठंड एवं शीतलहर में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है, जिसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है। वहीं कक्षा 6 से 10 के छात्रों के समय में परिवर्तन किया गया है, जो 10 बजे से संचालित होकर 2 बजे तक चलेगा। उन्होंने आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, कुछ ऐसा ही किया है रंगरा के एक गरीब बेसहारा दंपत्ति ने। गरीबी और इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सड़क के नीचे पानी निकासी के लिए बने कलवट को अपने रहने का आसियाना बना लिया। रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव निवासी वृद्ध दंपत्ति डोमन मंडल और उसकी पत्नी बतासो देवी ने NH31 कुमादपुर से रंगरा OP जाने वाली सड़क मार्ग में पड़ने वाले कलवट को ही जिंदगी जीने की जद्दोजहद में अपने रहने का ठिकाना बना लिया। इस दंपत्ति का दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन जब रात होती है तो ठंड से बचने के लिए कलवट ही एकमात्र सहारा बन जाता है। महिला ने बताया कि उसके पास गांव में जमीन तो है, लेकिन घर नहीं है, जिसके कारण पिछले 5 वर्षों से वह कलवट के नीचे रहने को मजबूर है। महिला ने बताया कि मुखिया या किसी जनप्रतिनिधि से उसे अब तक इंदिरा आवास एवं कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रंगरा CEO महेंद्र कुमार राम ने कहा कि वृद्ध दंपत्ति द्वारा अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जिसके कारण उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। डोमन देवी और ये महिला है, ये लोग NH के साइड में अपना दुकान किए हुए हैं जी, और दुकान के चलते ही वो लोग वहीं पर रहते हैं जी जी। इन लोगों के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं अंचल कार्यालय को प्राप्त है कि हमको भूमिहीन है और हमको जमीन दिया जाए। ऐसे पूछताछ के क्रम में पाया गया कि वो रंगरा का वासी है जी, और वहाँ उसका अपना घर है जी, दुकान के चलते वो जाता है वहाँ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय को पूर्णिया शिफ्ट करने के विरोध में व्यावसायिक एवं सामाजिक संगठन के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर शनिवार को नया बाजार स्थित ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र गुप्ता ने की। इस दौरान एसोसिएशन के महासचिव आलोक अग्रवाल ने कहा कि भागलपुर जैसे ऐतिहासिक जगहों पर नई सुविधाएं मिलती नहीं है और जो कार्यालय की सुविधा है उसे भी हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने शहर के सभी नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर आंदोलन करने की बात कही। ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक होने की है। बैठक हम लोगों की वस्तुता नहीं है, हम लोगों ने भागलपुर की बहुत सी संस्थाओं को जोड़ा है। उसमें भागलपुर के बार काउंसिल के हमारे अभयकांत बीजेपी हैं और बैंक के भी कुछ लोग हैं, जोनल ऑफिस एसबीआई के। मुख्यतः आज जो मुद्दा हम लोग का मेन एजेंडा है वो ये है कि भागलपुर जो एसबीआई का जोनल ऑफिस है उसको भागलपुर से हटा के पूर्णिया करने के, जो कि भागलपुर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहाँ की जहाँ भागलपुर अगर एक इतना बड़ा शहर है, कमिश्नरी है, और यहाँ पर अगर ये बैंक अगर यहाँ जोनल ऑफिस चली जाती है तो उससे जो व्यापारिक वर्ग जिनको कि आज कोई भी बड़ा इंडस्ट्री लगाना है तो उसमें एक फाइनेंस की ज़रूरत होती है और वो बड़ा फाइनेंस लेने के लिए एसबीआई एक सबसे बड़ी बैंक है। उनमें जो अधिकारी बड़े होते हैं अगर वो चला जाएंगे यहाँ से नहीं रहेंगे तो नेचुरल उसके लिए लोन के प्रावधान के लिए हमको या तो पूर्णिया जाना पड़ेगा या फिर पटना। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा रविवार को भागलपुर के 20 केंद्रों पर आयोजित की गई। सिपाही भर्ती परीक्षा में 8,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। दो पाली में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जुटने लगी थी। शहर के मारवाड़ी पाठशाला, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, बोल्डविन चाइल्ड स्कूल, टीएनबी कॉलेज, शारदा झुंझुनवाला महिला कॉलेज समेत कई केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण चली। वहीं परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए नोटिस बोर्ड लगाया गया था। सिपाही भर्ती की परीक्षा देने के बाद छात्रों ने बताया कि परीक्षा में गणित और रीजनिंग के कुछ प्रश्न ज्यादा कठिन थे, जबकि जनरल नॉलेज में समसामयिक विषय के प्रश्न पूछे गए। भारत के महान धर्मगुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और विवेकानंद को साहस का प्रतीक बताया। एक तरफ देश भर में जहां विवेकानंद की वेशभूषा में पधारे युवाओं को सम्मान दिया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भागलपुर टीएनबी कॉलेज में विवेकानंद की वेशभूषा में मौजूद युवा की जमकर उपेक्षा की गई। हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय युवा दिवस पर टीएनबी कॉलेज में विवेकानंद जयंती समारोह आयोजित की गई थी। शिक्षक से लेकर कुलपति तक विवेकानंद को आध्यात्मिक विभूति बता रहे थे। वहीं विद्वानों की जमघट में बेचारा विवेकानंद खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। कॉलेज प्रशासन की ओर से एक तरफ अतिथियों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा था तो दूसरी तरफ विवेकानंद की तस्वीर के बगल में युवा विवेकानंद उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा। हद तो तब हो गई जब सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया लेकिन विवेकानंद की पगड़ी पहने युवा विवेकानंद को दरकिनार रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक कुर्सी पर बैठे रहे और बेचारे विवेकानंद को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। हालांकि इसके पूर्व कॉलेज प्रशासन ने विवेकानंद की वेशभूषा में आए युवक को मंच पर जगह दी थी लेकिन कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय के आते ही विवेकानंद को मंच से हटा दिया गया। करीब आधा घंटा बाद जब मीडिया कर्मी का कैमरा विवेकानंद की शक्ल में मौजूद युवा पर फ्लैश करने लगे तब जाकर कॉलेज के शिक्षकों ने कुर्सी युवा विवेकानंद को उपलब्ध कराई। जरा सोचिए, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसे ही मंच पर जगह न दी जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? वारे राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह।
संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से रविवार को भागलपुर के ततारपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुफ्ती खुर्शीद अनवर ने की। इस दौरान संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की गई, साथ ही सदस्यता अभियान भी चलाया गया। मौके पर डॉक्टर विलक्षण रविदास, डॉक्टर योगेंद्र महतो, उदय और रिंकू यादव ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। वहीं मौलाना अताउल रहमान, हाफिज रहमतुल्ला और मोहम्मद फारूक ने CAA के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही। डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि NRC को रोकने के लिए देश में ऑल इंडिया लेवल के संगठन की आवश्यकता है, जबकि डॉक्टर योगेंद्र महतो ग्रामीण स्तर पर जनसभा कर CAA और NRC की जानकारी देने की बात कही। वहीं मुफ्ती खुर्शीद अनवर ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए घातक है। मौके पर समाज सेवी मेराज बबलू, अधिवक्ता सारिक मंजूर, तालिब शहाब, रिजवान खान, जावेद लकी, एनुल होदा समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमारा देश बचाओ संविधान बचाओ की ये बैठक है, जिसमें सारे लोग को बुलाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई सब लोग को बुला करके एक बैठक की गई है, जिसमें NRC CAA के जो हम लोग के ऊपर थोपा गया है जबरदस्ती, इसके लिए हम लोग जन अभियान चलाएंगे, लोगों को यानी जागरूक करेंगे कि इससे क्या हम लोग को नुकसान है, और इसको लेकर के हम लोग एक बड़े पैमाने पे एक हम लोग यानी कि अभियान चलाएंगे। और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर रविवार को DRDA परिसर से साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को DPRO बिंदुसार मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली शहर और गांव में जाकर आम लोगों को मानव श्रृंखला की कड़ी बनने के लिए जागरूक करेगा। DPRO ने कहा कि जल और हरियाली को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और आसपास पेड़ पौधा लगाएं। SSP आशीष भारती के निर्देश पर फरार YNTO की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में मधुसूदनपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त अलग अलग कांडों में नामजद आरोपी हैं। दोनों आरोपियों की पहचान दिग्गी निवासी मनोज मंडल एवं महमदपुर निवासी विनोद चौधरी के रूप में हुई है। दरअसल 19 जुलाई को दिग्गी में हुए गोलीबारी में मनोज मंडल मुख्य अभियुक्त था। बुद्धूचक थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय बरोहिया परिसर में रविवार को दियारा विकास मंच की ओर से बालक बालिका कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन बुद्धूचक थाना अध्यक्ष विशेष कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वहीं मैच के दौरान बालक एवं बालिका की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायक की भूमिका सुमित कुमार, सर्वोत्तम एवं राजीव सिन्हा ने निभाई, जबकि उद्घोषक के रूप में विनीत रंजन, निखिल रंजन एवं गोपाल झा मौजूद थे। इस मौके पर सचिव राजेश कुमार, खुशबू कुमारी, संजीव सिन्हा सहित काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। भागलपुर के सनहौला प्रखंड स्थित सुखसेना गांव में आयोजित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। प्रतियोगिता में अमडीहा निवासी पहलवान छोटे लाल यादव को प्रथम पुरस्कार 7,000 रुपए की नगद राशि मुखिया प्रतिनिधि अनुज झा ने दिया, जबकि द्वितीय पुरस्कार बल्लम चक निवासी मोहम्मद अफसर को मिला। इस दौरान क्षेत्रीय पहलवान एवं झारखंड से आए पहलवानों ने दंगल में अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। दंगल के अंतिम दिन कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पवन यादव एवं भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सनहौला के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहिबुल्ला मौजूद थे। इस मौके पर काफी संख्या में दंगल प्रेमी एवं ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती, युवाओं ने लिया उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प। नहीं थम रहा है भागलपुर में अवैध शराब का कारोबार, दुर्गा मंदिर परिसर से पुलिस ने 400 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। पीरपैती में 112 वर्ष पुराने उल्टा पुल को विस्फोट कर किया गया ध्वस्त, 2 ट्रेन का परिचालन रद्द, 2 का बदला गया रूट। होमगार्ड के DG राकेश मिश्रा पहुंचे भागलपुर, गृह रक्षकों के साथ की बैठक, समस्या समाधान का दिया भरोसा। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी विद्यालय 15 जनवरी तक रहेंगे बंद, DM ने जारी किए आदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।